गिरनार परिक्रमा जो गिरनार पर्वत की 36 किलोमीटर लंबी प्रदक्षिणा है, जहां हर साल मोर देन 1 मिलियन मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग भाग लेते हैं, लेकिन इस साल 2022 में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस परिक्रमा में हिस्सा लिया है। मैंने 5 नवंबर के दिन अर्ली मॉर्निंग ये परिक्रमा स्टार्ट कर दी थी और रास्ते में आ रहे पहले सेवाश्रम जहाँ चाइना से की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी, वहाँ हजारों श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद लिया और वहाँ का किचन भी विजिट किया। सच में इतने बड़े पैमाने पर ये सब मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। और बाद में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गया गिरनार परिक्रमा गेट, जहां मेरे साथ काफी सारे लोग इस परिक्रमा के लिए उत्साही और उत्सुक थे। लाखों की भीड़ के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम पहुंचे इटवा चेक पोस्ट, जहां प्लास्टिक बैग को पेपर या कपड़े की बैग के साथ फ्री में एक्सचेंज करवा सकते हो, और वो जरूरी भी है क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन हरगिज नहीं होना चाहिए। गिरनार परिक्रमा जो करीबन 36 किलोमीटर की यात्रा है, जहां आपको गिरनार की डेंस फॉरेस्ट में चलना है, जिसकी शुरुआत कार्तिकी सूद एकादशी से कार्तिकी पूर्णिमा तक होती है। वैसे थोड़ी इंक्वायरी करते हुए मुझे ये भी पता चला कि काफ़ी सारे लोग ये परिक्रमा कार्तिकी सूद नवमी के दिन से ही शुरू कर देते हैं। गिरनार परिक्रमा किसने स्टार्ट की वो पता लगा पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बहन सुभद्रा के विवाह अर्जुन के साथ करने के दौरान गिरनार के इस जंगलों में 5 दिन रुकते हुए रुक्मणी जी, सुभद्रा, अर्जुन और यादवों के साथ ये परिक्रमा की थी। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने भी गिरनार के इस जंगलों में परिक्रमा की थी और भगवान श्री राम ने भी एक गिरनार परिक्रमा की थी। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर ये गिरनार की परिक्रमा की थी। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जूनागढ़ के बगड़ू गांव के अजा भगत ने करीबन 140 साल पहले 5 लोगों के साथ ये परिक्रमा की थी और बाद में और भी लोग जुड़ते गए और ऐसे ये परिक्रमा की शुरुआत हुई। ये परिक्रमा मॉनसून सीजन के बाद होती है, जहां फॉरेस्ट में आपको हर जगह ग्रीनरी देखने को मिलेगी और इसीलिए इस परिक्रमा को लिली परिक्रमा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गया एक अन्य क्षेत्र, जहां मैंने शरबत पिया, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर से आगे बढ़ा इस परिक्रमा मार्ग पे, जहां एक रिवर क्रॉस करनी थी। काफी सारे लोग रिवर क्रॉसिंग को एंजॉय कर रहे थे, वहीं कुछ लोग रिवर में कुछ दूर स्नान भी कर रहे थे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि जंगल के बीच में एक छोटी रिवर बह रही है और बहुत सारे लोग जो गिरनार परिक्रमा में आए हुए वो बहुत ही एंजॉय करते हुए रिवर को क्रॉस भी कर रहे हैं। और मैं इस रूट के थोड़ी ऑफ साइड आके यहाँ पे नेचर के बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी देर हम टाइम स्पेंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे और बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि एक चेक डैम है, यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो शूज मेरे गीले हो ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा बह रहा है। तो वहाँ पीछे थोड़ा एक रास्ता है, मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ से जा पाऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिक्रमा में ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे मिले हैं मेहसाणे से आए हुए
जिग्नेश भाई और उनके फादर, और अभी हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, धूप भी बहुत बढ़ चुकी है और भूख भी। वैसे तो रास्ते में बहुत सारे प्लेसेस आए थे वहाँ पे, अन्न क्षेत्र मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटी थी, लेकिन मुझे लंच 1 बजे के बाद ही करना था। तो अब हम जो भी नेक्स्ट ऐसा अन्न क्षेत्र आएगा वहाँ पे हम लंच करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय तक इस परिक्रमा के पहले पड़ाव जीणा बाबा की मड़ी तक मैं पहुंच चुका था। खूबसूरत हसनापुर डैम के पास में आई हुई इस जगह पे काफी सारे लोग नाइट स्टे भी करते हैं। यहाँ पर कुछ टेंपल्स भी है जो आप विजिट कर सकते हो। परिक्रमा के दौरान आपके रास्ते में एक पॉपुलर जगह आएगी जिसका नाम है जीणा भवानी मड्डी। वहाँ पे बहुत सारे भंडारे थे, मतलब एक अन्न क्षेत्र में मैंने लंच भी कर लिया। वहाँ पे खाना बहुत ही डिलीशियस था। बाद में 15 मिनट जितना मैंने ट्रैक किया, और ट्रैक करने के बाद एक अच्छी सी जगह ढूंढ के मैंने रेस्ट किया, फ़ोन को चार्ज किया और इस प्रकृति के बीच में थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लिया। वैसे यहाँ पे इंटरनेट तो आ नहीं रहा, लेकिन लोकल से इंक्वायरी करते हुए मुझे ये पता चला कि मैंने करीबन 20 किलोमीटर जितना ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। अभी 15 से 16 किलोमीटर जितना ही ट्रैक बाकी होगा। अगर मैं चाहूँ तो आज ही वो ट्रैक कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैं इसी इंटेंशन के साथ यहाँ आया हूँ कि मैं यहाँ पे एक नाइट स्टे जरूर करूँगा। ऐसे जंगल में नाइट स्टे करना एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जहाँ पे सनसेट होगा वहीं कहीं अच्छी जगह ढूंढने के बाद हम वहाँ पे नाइट स्टे कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे हर जगह पे आपको पानी, चाय, नाश्ता, नींबू पानी मिल ही जाएगा। अगर आपको किसी भी जगह पे ऐसा बोल रहे हैं कि आगे कुछ नहीं मिलेगा तो उनकी बातों में मत आना, लेकिन हाँ पानी की बोतल तो आपके पास जरूर रखना ही। इस परिक्रमा में 3 मुख्य पड़ाव है। पहला जीणा बाबा की मड़ी जो भवनाथ टेम्पल से करीबन 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दूसरा पड़ाव मालवेला जो जीणा बाबा की मड़ी से करीबन 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तीसरा और आखिरी पड़ाव बोरदेवी मंदिर जो मालवेला से करीबन 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बोरदेवी मंदिर से भवनाथ मंदिर का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है और ऐसे ही परिक्रमा 36 किलोमीटर की होती है। परिक्रमा के दौरान आपके रास्ते में 3 घोड़ी आएगी। घोड़ी एक बैल जैसी संरचना है जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, जिसमें पहले चढ़ना और फिर उतरना होता है। सबसे पहले इटवा घोड़ी आएगी जो इटवा चेक पोस्ट के तुरंत बाद आती है, जो काफी आसान भी है। उसके बाद दूसरी घोड़ी मालवेला फॉरेस्ट पोस्ट के पहले आएगी जो काफी कठिन और लंबी भी है। तीसरी घोड़ी नालपाणी फॉरेस्ट वॉच टावर के पहले आएगी जो सबसे उबड़ खाबड़ और बड़ी ऊंचाई पर स्थित है। उसकी चढ़ाई भी काफी सीधी है। तो मालवेला के एक बात से कुछ जगह पे सीढ़ियाँ हैं और कुछ जगह पे बहुत ही डिफ़िकल्ट रोड है नीचे उतरने के लिए। मैं अभी थोड़ा ऑफ साइड आया हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होने की वजह से उतरना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, थोड़ी क्राउड कम होता है, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइम 6:30 से ज़्यादा हो चुका है, सनसेट भी हो चुका है और अभी भी हम रास्ते में पता नहीं कहाँ रुकने वाले हैं। अभी भी क्राउड बहुत ज़्यादा है। कोई सुरक्षित जगह पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्राउड के साथ। देखो वैसे हम जंगल में हैं इसलिए बाहर तो उजाला है, लेकिन जंगल में बहुत सारे पेड़ होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग करने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैं शूटिंग अभी करने वाला नहीं हूँ। अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा टॉर्च से, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। तो चलिए अभी हम शूटिंग बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ पर हम नाइट स्टे करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल मैंने यहाँ जंगल में इस जगह पे नाइट स्टे किया था और मुझे ये सारे दोस्त मिले हैं जो धंधुका से हैं। हमने यहाँ पे रात को कैंप फायर किया, चाय बनाई थी और बहुत सारा एंजॉय किया कैंप फायर के साथ। और अभी अर्ली मॉर्निंग हम सब फ्रेश हो चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं परिक्रमा की ओर। तो पहले हम नीचे जाएंगे, चाय पियेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले पड़ाव की ओर। तो चलिए दोस्तों, जय गिरनारे, जय गिरनारे, जय गिरनारे। तो अभी मैं पहुंचा हूँ नड़पाणी और धंधुका वाले जो फ्रेंड थे वो आगे निकल गए और मुझे मिले हैं मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड। और अभी मैं इन्हीं के साथ आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोग्राफी की और जो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में देख सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते, जय गिरनारी। देखो वैसे तो यहाँ पे परिक्रमा का मार्ग बनाया हुआ है, लेकिन अभी हम जो चल रहे हैं वो है रिवर का रास्ता, क्योंकि परिक्रमा के मार्ग पे बहुत ही क्राउड है और यहाँ पे जो ऑफ रोड पे अब बड़े आराम से जल्दी से आगे जा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। बोर देवी टेम्पल जो गिरनार परिक्रमा का आखिरी पड़ाव है, जहां काफ़ी सारे लोग नाइट स्टे भी करते हैं। मेरे हिसाब से आपको भी यहां पे नाइट स्टे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहां जो मंदिर है उसके बिल्कुल ही पीछे एक बहुत बड़ा मैदान है, जहां आप जंगल के बीच में खुले आसमान के नीचे लाखों करोड़ों टिमटिमाते तारों के नीचे नाइट स्टे कर सकते हो। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी परिक्रमा में आऊँगा इस जगह पे नाइट स्टे जरूर करूँगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बोर देवी, जो इस परिक्रमा का आखिरी पड़ाव है। इसके बाद भवनाथ, जहाँ पे परिक्रमा का अंत होगा। यहाँ पे एक चेक डैम भी है जहाँ पे आप नहाते हुए एंजॉय करेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि नहाने जाऊँ या नहीं, तो चलिए जगह देखते हैं और देखते हैं कि हम आगे क्या करते हैं।
देखो वैसे तो मेरा यहाँ नहाने का प्लान बिल्कुल नहीं था, लेकिन दोस्तों को नहाते हुए देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ पे सारे दोस्तों के साथ बहुत ही एंजॉय किया नहाते हुए। अब हम फिर से रेडी हो चुके हैं आगे बढ़ने के लिए, तो लंच का भी टाइम हो चुका है, एक बज चुका है, तो हम जाएंगे यहाँ पे कुछ लंच करने के लिए और बाद में आगे बढ़ेंगे भवनाथ के लिए। देवी मंदिर से भवनाथ मंदिर का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो दूरी थी वो हमें सबसे ज़्यादा लगी। ऐसा ही लग रहा था कि हम चले ही जा रहे हैं लेकिन मंजिल नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों, लेकिन शायद ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये परिक्रमा का आखिरी पड़ाव था जो हमें कंप्लीट करना था। वैसे इस रूट पे आपको कुछ एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि बंदर, कुछ कुछ जगह पे माउंट गिरनार का काफ़ी खूबसूरत व्यूज भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ जो रास्ता है वहाँ कुछ जगहों पे शॉर्टकट भी है जिसकी मदद से आप थोड़ा डिस्टेंस कम कर सकते हो और जल्दी से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन शॉर्टकट को इंसिडेंट में ना बदल जाए इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। तो अभी शाम के 6 बजे हैं और मैं पहुंचा हूं गिरनार तलेटी और यहां पर हमारी ये परिक्रमा समाप्त होती है। इस परिक्रमा में मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, कुछ नए दोस्त बनाए और यहां के बारे में कुछ कही अनकही बातों के बारे में जाना। तो मैं खुद से प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट टाइम मैं जरूर ट्राई करूंगा फिर से ये परिक्रमा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो चले मिलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। Save nature, save water, take care, bye bye. Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.